आज हम भुवनेश्वर जा रहे हैं। आई एम सो हैप्पी, बहुत दिनों बाद भुवनेश्वर जा रहे हैं दीदी से मिलने के लिए। तो मैं, भाई, बच्चे सब निकल पड़े हैं। हम लोग सब लोग बहुत एक्साइटेड है क्योंकि दीदी से मिलेंगे, उनके बच्चे भी हैं तो वो लोग अपने कज़न से मिलने के लिए बहुत खुश हैं। तो सब चल पड़े हैं और यहाँ से लंबा रास्ता है, यहाँ से 2 घंटा लगेगा हमको भुवनेश्वर पहुँचने के लिए। और रास्ता तो बहुत अच्छा है, बच्चों के साथ रहने से कभी रास्तों का पता नहीं चलता क्योंकि बच्चे इतने मस्ती करते हैं, इन्जॉय करते हैं, उनके साथ एक बहुत ही अच्छा टाइम पास हो जाता है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बच्चे सब अंदर कूद रहे थे, नाच रहे थे, फिर ऐसी मस्ती मस्ती में हम लोग निकल पड़े। और जहाँ से हम गए, एक्चुअली यहाँ से 2 घंटे का रास्ता है लेकिन हमने एक दूसरा ही रूट पकड़ लिया था, एक जंगल का रास्ता था, उसमें हमें एक्स्ट्रा 1/2 घंटा और लगा। और हम लोग जितने टाइम पहुँचने वाले थे उससे 1.5 घंटा और लेट हम पहुँचे। रास्ता बहुत ही लंबा था। फिर जब ऑलमोस्ट हम लोग कटक के पास पहुँचे तो हम लोग पहाड़ों में रुक गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे रसगुल्ला मिलता है पहाड़ों में, अगर पाओगे भुवनेश्वर से पहले। यहाँ पे वैरायटी ऑफ रसगुल्ला, छेनापोड़ो, स्वीट्स मिलते हैं। तो मोस्टली सब लोग रुकते हैं भुवनेश्वर जाने से पहले, सब यहाँ रुकते हैं थोड़ा रसगुल्ला खाने के लिए। तो हम भी रुक गए हैं कुछ गर्म गर्म रसगुल्ला यहाँ पे खाने के लिए, रसगुल्ला और छेनापोड़ो। तो हमने भी टेस्ट किया यहाँ पे, बच्चों ने भी खाया, सबको अच्छा लगा, बहुत ही यमी था, फ्रेश था। अगर आप में से भी कोई जाता है तो ज़रूर ट्राई करो पहाड़ों के रसगुल्ला, छेनापोड़ो। शाम का टाइम है, मौसम भी बहुत अच्छा है और ठंडी ठंडी हवा भी चलनी शुरू हो गई है क्योंकि पहले तो बहुत धूप था, गर्मी था। और यहाँ पे सभी बच्चे ने भी चख लिए, उन सब ने छेनापोड़ो लिया क्योंकि सबको छेनापोड़ो खाने का मन था, सब ने छेनापोड़ो खाया। बाद में हमने रसगुल्ला भी एक एक लिया और अच्छा लगा क्योंकि टेस्ट बहुत अच्छा है, फ्रेश रहता है यहाँ पे। आप भी खाओगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और बहुत ही यम्मी है, मैं बोल भी रही हूँ कि बहुत टेस्टी है यहाँ पे। आप देख सकते हो बहुत वैरायटी है। और आप जाओगे तो यहाँ से आप अपने फैमिली के लिए भी पैक कर सकते हो, जितना चाहे ले सकते हो। और ये एक ही दुकान है, यहाँ पे बहुत सारी दुकान है, लाइन से कंटिन्यूस दुकान है। तो अपनी गाड़ी आप रोक सकते हो क्योंकि काफ़ी सफिशिएंट प्लेस है यहाँ पे गाड़ी रोकने के लिए। आप देख सकते हो काफ़ी लाइन से दुकान है, आप गाड़ी रोक के आराम से यहाँ पे पैकिंग करके खा सकते हो। तो काफ़ी लेट इवनिंग हो गया था, शाम को हम पहुँचे, दीदी जीजाजी भी आ चुके थे, सब मिले हमसे। और इवनिंग का टाइम है तो काफ़ी ट्रैफिक था। बच्चे लोग सब बोलने लगे चलो पार्क चलते हैं, सब लोग बड़े खुश एक दूसरे से मिलके, सबने कहा चलो पार्क चलो। तो हमने कहा ठीक है, फिर हम लोग यहाँ से फिर पार्क गए, हमने कहा बच्चों का मन है तो चलते हैं। तो डिसाइड किया कि यहाँ पे बीजू पटनायक पार्क है भुवनेश्वर का, बहुत ही बड़ा और फेमस पार्क है बच्चों के लिए। तो हम लोग वहाँ आ गए बच्चों को लेके, सब आ गए। शाम ऑलरेडी हो चुका था, ऑलरेडी इवनिंग 7:30 हो रहा है यहाँ पे। फिर हमने सोचा कि चलो पार्क बंद होने से पहले 1 घंटा हम लोग बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर लेते हैं। अंदर पार्क में हम आए और बच्चे तो जैसे ही पार्क में आए वो झूले के पास भाग के गए और झूले में ही खेलने लगे बहुत देर तक। तो हम लोग वहाँ पे बच्चों के साथ थोड़ा वेट किए, वो लोग तो इंजॉय करते रहे, फिर थोड़ा टाइम हम लोग भी वहीं पे बैठे 1 घंटा। फिर जब पार्क बंद हुआ, होने का टाइम था 8:30 बजे तक, फिर निकल आए। दीदी घर में फिर नाइट स्पेंड किया क्योंकि रात काफ़ी हो गया था, फिर वहाँ स्पेंड किया, बच्चों ने बहुत इंजॉय किया। और अभी नेक्स्ट डे हम लोग दोपहर को लंच के बाद प्लानिंग किया कि चलो निकलते हैं फिर, क्योंकि लेट हो जाएगा, यहाँ से घर भी बहुत दूर है। फिर जब गाड़ी में बैठे तो इतनी गर्मी थी, गाड़ी बाहर रखी थी, तो जैसे ही कांच को हमने नीचे किया तो भाई ने बोला कि ग्लासेस ऊपर नहीं हो रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम हो गया था। तो हमने कहा ठीक है, तो फिर भाई ने फटाफट कॉल किया सर्विस सेंटर में, तो उन्होंने कहा कि आप गाड़ी को लेके ही आ जाओ। तो हम रेनॉल्ट के सर्विस सेंटर पहुँच गए क्योंकि हमारे ग्लासेस ऊपर नहीं हो रहे थे। तो पहुँचे यहाँ पे तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप लोग को वेट करना पड़ेगा जब तक मैकेनिक ठीक नहीं करता। तो हम लोग यहाँ पे लॉज में अंदर आराम से एसी में बैठ गए, 1/2 घंटा हमको वेट करना पड़ा। तो कुछ प्रॉब्लम तो नहीं था क्योंकि बैठने की फैसिलिटी सब थी, बैठे फिर 1/2 घंटे बाद उन्होंने मैकेनिक ने आके ठीक किया, उन्होंने कहा कि कुछ शॉर्ट सर्किट हो गया था, अब ये ठीक हो गया ग्लासेस। तो हम लोग रेडी हैं जाने के लिए और हमें बैक टू होम। हमारा ट्रैवल बहुत अच्छा रहा। और ये महानदी के कुछ ब्रांचेस हैं, अब जब भी जाओगे तो आप देखोगे बहुत सारे महानदी के ब्रांचेस आते हैं। चलो बाय एवरीवन।